गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम संजय शर्मा। टुडे आई एम गोइंग टू टीच अ न्यू लेसन, हुज इज स्ट्रोथ, क्लास 6, सब्जेक्ट साइंस। बेटा, हमने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में इस लेसन के शॉर्ट आंसर लिखाए थे और आज हम अपने इस वीडियो में आपको लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन बता रहे हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड फूड, वेयर डू वी गेट आवर फूड फ्रॉम। तो बेटा, इसके आंसर में फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल लिविंग बीइंग्स, फूड हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो, फूड ऑल्सो कंटेन्स प्रोटीन दैट इज नीडेड टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, फूड कंटेन्स विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज, वी गेट फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, थस प्लांट्स एंड प्रोडक्ट्स आर आवर सोर्स ऑफ फूड। अगला क्वेश्चन आपका है, नेम सम इंपोर्टेंट सीरियल्स एंड वेयर डू वी गेट देम फ्रॉम। इसका आंसर बेटा है, सम इंपोर्टेंट सीरियल्स आर राइस, वीट, मेज, सोरगम यानी ज्वार, बार्ली, जौ एंड मिलेट्स यानी बाजरा, दीज आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स इन लार्ज अमाउंट, वी गेट देम फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स। क्लासेस साइंस में अब आपका लॉन्ग का थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई नॉन ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। तो बेटा, उसका आंसर है, द नॉन ग्रीन प्लांट्स लैक क्लोरोफिल व्हिच इज नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फूड रेफर्ड टू अस फोटोसिंथेसिस, देयरफॉर दे डिपेंड ऑन देयर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स इंपॉर्टेंट टू ऑब्टेन फूड, फॉर एग्जांपल फंगी, ईस्ट, मशरूम, ब्रेड, मोल्ड, इटीसी आर द नॉन ग्रीन प्लांट्स। बेटा, ये जितने भी हैं ये सारे नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, और जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो पौधों और जानवरों पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल की कमी होती है, इसलिए इन्हें हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है। आपका आखिरी यानी लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, हु आर कॉल्ड प्रोड्यूसर एंड व्हाई। ग्रीन प्लांट्स आर द ऑर्गेनिज्म that prepare their food on their own through the process of photosynthesis, they are also called producers. Thank you.